press the bell button now. Hello everyone. आप सबका वेलकम है आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में. आज हम फिर पर्सनल केयर के अपने दो प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं. तो आज बहुत सारे लोग नए हमसे आज कनेक्ट हुए होंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम श्वेता राय है. हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ और लगभग 4 सालों से हार्वेस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे स्टेट्स में मैंने हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है. अभी तक 400 से ज्यादा मैंने अभी तक ट्रेनिंग ली है. तो आज हम अपने पर्सनल केयर के दो प्रोडक्ट को लेकर आए हैं. अभी आप कल जो हमने देखा था वो बॉडी केयर पार्ट 1 था. आज हमारा बॉडी केयर पार्ट 2 है. तो आज पार्ट 2 में हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं और लास्ट में कल जो हमने देखा था और आज जो हम देखेंगे उसका एक समरी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी. जिन्होंने अभी भी हमारे इस पेज को लाइक नहीं किया है आप इस पेज को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर दिन आपके लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग आने वाली है. हर दिन आपके इसी टाइम पे मैं आपसे मिलने वाली हूँ. तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जो भी ट्रेनिंग होगी इस चैनल पे होगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें. कंपनी कभी भी कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग या कोई भी ट्रेनिंग अगर ऑर्गेनाइज करती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. हम सब प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों इतना जरूरी है हम सब के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे एक एक प्रोडक्ट को मार्केट से यूनिक बनाया गया है. मैं पहले बहुत दिनों से हेल्थ केयर की बात कर रही थी, अब मैं पर्सनल केयर के ऊपर बात कर रही हूँ. हमारा एक एक पर्सनल केयर का भी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से बहुत डिफरेंट है. तो इसीलिए हम एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको ट्रेनिंग देते हैं ताकि आपको पता चले कि आप क्या चीजें लेकर मार्केट में जा रहे हैं. सो फॉर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसीलिए हम ये सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. और इन सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेकर कौन आता है? हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी. ये हमारा एजुकेशन पार्टनर है और हार्वेस्ट कहता है जब आप सीखते हैं तो ही लाइफ में पैसा आता है. हम 25-30 साल पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहां पे भी हम लर्निंग पे ध्यान देते हैं तो अर्निंग आती है. तो यहाँ पे भी सीखना पड़ेगा क्या कौन से प्रोडक्ट है, किसको देना है, उसके क्या यूएसपी है जो आपको मार्केट के प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे. हमारा एक फेसबुक पे पेज है, इस पेज को लाइक करें. कंपनी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है तो सारे अपडेट्स आपको इस पेज से मिलेंगे. और अभी हमने इतने दिनों में क्या देखा, हमने अपने हेल्थ केयर के सारे प्रोडक्ट्स देखे. आपको लिवर कैसे अच्छा रखना है, किडनी कैसे अच्छा रखना है, आपका हार्ट कैसे अच्छा रखना है. अब हम जो बात कर रहे हैं वो पर्सनल केयर पे बात कर रहे हैं. बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट अभी हमने देखे, आज हम जो बात करेंगे वो हमने दो प्रोडक्ट को लेकर बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले इनके पीछे दिमाग किसका है, इनके पीछे हाथ किसका है इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में, वो है डॉक्टर केसी गोविंदन सर. इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो आप हमारा होम केयर या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स देखते हैं उनको डॉक्टर केसी गोविंदन सर डिजाइन करते हैं. इनके अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 years, 45 सालों का एक्सपीरियंस है बस पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट बनाने का. और इतने सालों से इन्होंने किन किन कंपनीज में वर्क किया है, इन्होंने हिंदुस्तान लिवर के लिए प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने डाबर के लिए प्रोडक्ट बनाया, बलसारा जैसी कंपनीज में इन्होंने डायरेक्टर हेड की पोस्ट पे रहकर इन्होंने काम किया है, आईआईटी मुंबई से अपना पीएचडी किया है. और ये जो आप पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, इसमें इनका बहुत सालों का रिच एक्सपीरियंस है. और अभी भी बहुत सारे इंडस्ट्री पैनल्स पे ये एज अ साइंटिफिक एक्सपर्ट ही इज वर्किंग राइट नाउ. तो बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी है जो हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे है पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूं. अभी हमारा जो हेल्थ केयर रेंज है उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला है. अभी हम बात कर रहे हैं अपने पर्सनल केयर रेंज की, तो पर्सनल केयर रेंज पे हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक इंसान क्या चाहता है? एक इंसान अच्छा दिखना चाहता है, उसके साथ साथ अच्छा फील भी करना चाहता है. फील करने के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, जिसके लिए हमारा पूरा हेल्थ केयर का रेंज है. अब अच्छा दिखना है तो उसके लिए आपको अपने पर्सनल केयर रेंज के ऊपर आप बात करेंगे. सबसे पहले माय फ्रेंड, ये जो पर्सनल केयर के मैं सारी जो प्रेजेंटेशंस बना रही थी, तो सच बताओ बनाते बनाते मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तो मार्केट के प्रोडक्ट भी हमें नहीं दे रहे और उसके लिए वो बहुत पैसे चार्ज कर रहे. हमारा एक एक पर्सनल केयर का प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. तो आज तो हम दो प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं. सबसे पहले मैं हमेशा एक चीज पे बात करती हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन. मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड यू नेवर गेट अ चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन. मतलब हम एक ऐसे बिजनेस में है ना जहाँ पे हम हर दिन नए नए लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोग जो हमारे लिए कभी कभी स्ट्रेंजर भी होते हैं. तो जो आप किसी से मिलते हैं ना, पहले का जो कुछ सेकेंड होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. आप प्रेजेंटेबल है या नहीं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है. और क्या चीजें अट्रैक्ट करती है, लोगों की अच्छी स्किन अट्रैक्ट करती है, उसके अच्छे हेल्दी बाल अट्रैक्ट करते हैं, उसकी एक अच्छी स्माइल, उसके अच्छे दांत अट्रैक्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाती है, इसीलिए हम ये पर्सनल केयर के रेंज का प्रोडक्ट लेकर आए हैं.
अब हम बात करते हैं बिजनेस के ऊपर कि इस पर्सनल केयर की यूज करके आप कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एफएमसीजी मार्केट की अगर बात करें, आज आप मार्केट में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते होंगे, वो बड़ा बड़ा ब्रांड को प्रमोट करते हैं। यही मौका आज हमारे पास भी है माय फ्रेंड। क्यों? एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब ऐसी चीजें जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। ये फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर बोला जाता है और कहते हैं एफएमसीजी मार्केट का लाखों करोड़ों में टर्नओवर है। एक साल का टर्नओवर 3.4 लाख करोड़ का टर्नओवर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो टर्नओवर आप देख रहे हैं उसका 45% सेल पता है कहां से आता है? रूरल एरिया से, गांव से, ऐसे एरियाज में, क्योंकि जरूरत वहां पे भी लोगों की है। चाहे वो शहर के लोग हो, चाहे वो गांव के लोग हो, हर एक इंसान आज अच्छा दिखना चाहता है और खुद पे उसके लिए पैसा खर्च कर रहा है। बात करें एफएमसीजी मार्केट को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला फूड इंडस्ट्री, दूसरा हेल्थ केयर जिसके बारे में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, और तीसरा है हमारा पर्सनल केयर का रेंज। तो इसके हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी देखे हैं और भी आज पर्सनल केयर के भी हम कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या हम इस इंडस्ट्री का एक ग्रोथ का पार्ट बनना चाहते हैं? तो अगर मैं बात करूं स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका जो मार्केट देखा गया वो 11,000 करोड़ का मार्केट देखा गया। अगर बात करें आपके हेयर केयर की तो 23,000 करोड़ का मार्केट है, बस ऐसे प्रोडक्ट जो आपके बालों को अच्छा रखते हैं। ओरल केयर, आपके मुंह को अच्छा रखने के लिए, दांतों को अच्छा रखने के लिए 14,000 करोड़ का मार्केट है। मतलब आप समझ रहे हैं हमारा एक एक स्किन केयर का प्रोडक्ट, हेयर केयर का प्रोडक्ट कितना बड़ा टर्नओवर ला सकता है। हेल्थ केयर से ज्यादा बड़ा मार्केट आज पर्सनल केयर का है। शायद कोई इंसान ऐसा होगा जो अपने हार्ट पे ध्यान नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो रोज ब्रश जरूर कर रहा होगा, फेस वॉश जरूर यूज कर रहा होगा। मतलब 135 करोड़ की आबादी है हमारे भारत की, 135 करोड़ का पॉपुलेशन है, हर एक इंसान ब्रश कर रहा है, बालों में तेल लगा रहा है, शैम्पू लगा रहा है। इसका बहुत बड़ा मार्केट है माय डियर फ्रेंड। इस मार्केट को अगर हम कैप्चर कर पाए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स की बात करें, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, सोप्स जो होते हैं वो सब इसी सेक्टर्स में आते हैं। घर में जो हम बर्तन धोने का लिक्विड यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने का साबुन, सब इस रेंज में आते हैं। हमारी कंपनी ने हमारे लिए क्या सोचा? अगर बात करें, अगर आपको किसी कंपनी का एम्बेसडर बनना है तो आपको ही कोई सेलिब्रिटी होना पड़ेगा। वहां पे आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं सेलिब्रिटी बनने के बाद, आपको किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। लेकिन हम आम इंसान है, हमारे ऊपर कोई कंपनी करोड़ों रुपए खर्च नहीं करेगी। लेकिन ये मौका हमारे पास एमआई लाइफस्टाइल लेकर आई है। एमआई लाइफस्टाइल मार्केट में, एफएमसीजी मार्केट में तीन बड़े ब्रांड्स के साथ एंटर किया है, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन एंड न्यू स्टार, जो हमें प्रोडक्ट देता है। जब हम लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, आज दुनिया में सब यही काम कर रहे हैं, वही काम हमें मौका मिला है करने का। तो हमारे पास आज जो हम पर्सनल केयर की रेंज के ऊपर बात करेंगे वो हमारे एलिमेंट्स के पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स है। तो हमने कल देखा था बॉडी ब्यूटीफुल का पार्ट वन, जिसमें हमने तीन लिया था, इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन लिया था, कोको बटर लिया था और एमोलिएंट क्रीम लिया था। आज जो हम दो प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो है स्किन व्हाइटनिंग लोशन एंड एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश जेल। ये दो को आज हम लेंगे, ये दो के बारे में आज हम पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले मैंने कल भी ये टॉपिक डिस्कस किया था, आज जितनी भी लेडीज यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग सुन रही है, जितने भी जेंट्स सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग ना अपने फेस के स्किन का ख्याल रखते हैं। फेस के स्किन के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, फेस के स्किन के लिए वो मॉइस्चराइज करेंगे, स्किन टोन आपको स्क्रब करेंगे, फेस वॉश करेंगे, लेकिन हम अपने हैंड की स्किन को, अपने हाथ पैर की स्किन को, अपनी बॉडी की स्किन को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं। जिस तरीके से आपके फेस को जरूरत है ना, उसी तरीके से आपके बॉडी को, स्किन की भी जरूरत होती है, उसको अच्छे से साफ करना, उसको मॉइस्चराइज करना, क्योंकि आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। मैं मानती हूँ कि पहले जब कोई मिलता है तो सबसे पहले आपके फेस पे नजर जाती है, इसलिए हम फेस का ज्यादा ध्यान देते हैं। फेस बहुत अच्छा है लेकिन आपके हाथ बहुत ड्राई है, आपके हाथ पे दाग धब्बे हैं, तो वो एक गलत इंप्रेशन देता है। इसीलिए एलिमेंट्स वेलनेस कहता है क्यों ना पूरे बॉडी का ही ख्याल रखा जाए, अंदर भी और बाहर भी। मतलब अंदर से भी हार्ट अच्छा है और आपकी स्किन भी बाहर अच्छा है, ओवरऑल आपको अच्छा बनाए, ओवरऑल आपको खूबसूरत बनाए। इसीलिए हमारी कंपनी पर्सनल केयर के रेंज के प्रोडक्ट्स लेकर आई है। और एक चीज में आज जितने भी जेंट्स देख रहे हैं उनको भी मैं बोलूंगी, ये सारे प्रोडक्ट एक लेडी ट्रेनिंग दे रही है और लेडीज की फोटो बहुत सारे प्रेजेंटेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज ओनली मेंट फॉर लेडीज। ये जेंट्स को भी यूज करना है, जेंट्स के लिए भी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और जेंट्स को भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, तो इसके लिए सारे प्रोडक्ट्स लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है।
सबसे पहले आज जो हम प्रोडक्ट लेंगे उसका नाम है स्किन व्हाइटनिंग लोशन। ये व्हाइटनिंग बॉडी लोशन है, व्हाइटनिंग से नाम ही बता रहा है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा व्हाइट करता है, आपके स्किन के टोन को थोड़ा आपका वो थोड़ा स्किन टोन जो है उसको इम्प्रूव कर देता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये इसको ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला आप कह सकते हैं, मतलब ये तीन तरीके से काम करता है। देखिए सबसे पहली बात, हमारे जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आपको बताती हूँ ना, ये मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए जाती हूँ, मुझे पता है आधे घंटे के बाद दो चार बातें ही आपको याद रहेंगी, लेकिन अगर वो दो चार बातें ही अगर आप लोगों को बता देंगे ना, तो जब आप कोई चीज लेने जाते हैं वो बताते हैं कि इसमें ये भी है ये भी है ये भी है, आप मुझे पता है सारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे उसने 10 चीजें बताई थी, इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करते हैं और कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं, आप धीरे धीरे लर्न करना सीखिए, ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगी। ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेशन करता है, ये क्या है आगे बताऊंगी, रिवाइटलाइज करता है आपकी बॉडी को और स्किन को व्हाइट भी करता है। मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं वो कहते हैं आपकी स्किन को लगाओ आपकी स्किन को व्हाइट करेगा, लेकिन स्किन की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, स्किन को अच्छा रखने पे ध्यान नहीं देते। हमारा प्रोडक्ट कहता है स्किन को व्हाइट तो कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी दो बेनिफिट दे रहा है, वो क्या बेनिफिट है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको आपसे दो तीन ट्रेनिंग पहले मैंने एक टॉपिक पे लिया था कि हमारी जो स्किन है, जो हमारी स्किन का जो ऊपरी पार्ट है वो हर 30 से 40 दिनों में पूरा रिन्यू हो जाता है, मतलब पूरा बदल जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। अगर हम उसको अच्छा प्रोटेक्शन देंगे, अच्छा उसको मेंटेन करेंगे, तो 30 से 40 दिनों में हम अपनी स्किन को पूरा रिन्यू कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए अगर बात करें, हमारी स्किन जो है वो हर दिन शेड होती है, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए, कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं जो आपकी स्किन को अच्छा रखने में, उसको रिन्यू करने में मदद करती है। और जब आपकी स्किन अच्छी हेल्दी रहेगी तो एंटी एजिंग बेनिफिट भी देता है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं, आप देखते हैं हमारी स्किन पे दाग धब्बे होने लगते हैं, स्किन लूज होने लगती है, तो जब आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो एंटी एजिंग भी बेनिफिट ये आपको देता है। और आपकी स्किन मॉइस्चर ऑक्सीजन ज्यादा ले पाए, क्योंकि ऑक्सीजन जब अच्छे से मिलेगा तो आपकी स्किन जो है वो ज्यादा रिन्यू करेगी, ज्यादा हेल्दी दिखेगी। तो ये ऑक्सीजनेशन में मदद करता है, आपके स्किन के सेल्स को रीजेनरेट करता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्किन को अच्छा रखने के लिए। दूसरा क्या करता है, आपकी स्किन को लाइट करता है। लेकिन आपको कभी भी, देखिए मैं कभी भी कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलती हूँ, कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि किसी का स्किन टोन एकदम डार्क है तो आप एकदम लगोगे कि फॉरेन से आए हो या फॉरेनर हो, ऐसा कभी किसी को गलत नहीं बोलना है। आपको कहना है आपकी जो स्किन का टोन है उसको दो तीन शेड वो इंक्रीज कर देता है, आपके स्किन के टोन को अच्छा कर देता है। आपका जो भी अभी स्किन टोन है उससे आपको थोड़ा लाइट कॉम्प्लेक्शन महसूस होगा कुछ यूसेस के बाद, तो आपके स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें केसर और मुलेठी ये दो चीजें इसमें डाली गई हैं। तीसरा जो है उसको हम रिवाइटलाइजिंग कहते हैं, मतलब जब हमारी एज होने लगती है या कुछ दिनों के बाद, एक बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उस पे दाग धब्बे नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है स्किन पे झुर्रियां आने लगती हैं, दाग धब्बे होने लगते हैं, स्किन पे ब्लेमिशेस होने लगते हैं, तो इसमें जो ऑलिव ऑयल है, मिल्क दूध का क्रीम डाला गया है, विटामिन ए है, आपके स्किन को अच्छा रखने में भी मदद करता है। अब हम इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स को ना डिटेल में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले सैफ्रन, मतलब केसर। केसर जो होता है वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि बोलते हैं हजारों पेड़ों से थोड़ा सा केसर हमें मिलता है, तो केसर जो है वो एक नेचुरल सनस्क्रीन जैसा काम करता है। मतलब इसको बोला जाता है कि ये जब आपकी स्किन पे, जब आप बाहर जाते हैं, सूरज की जब किरण आपकी स्किन पे पड़ती है तो आपकी स्किन को डैमेज करता है। मैंने एक चीज आपको फेयरनेस क्रीम में भी बताई थी, वो क्या है, दो तरीके की सूरज की किरण आपकी स्किन पे पड़ती है, दो तरीके की यूवी लाइट आपकी स्किन पे पड़ती है। एक होता है यूवीए, अल्ट्रावायलेट ए, एंड यूवीबी। आप जैसे इस फोटो में देख रहे हैं, अल्ट्रावायलेट ए जो होता है ना वो अंदर तक चला जाता है और आपको झुर्रियां होने का जो कारण है वो अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट जो बी होता है किरण वो आपकी स्किन के ऊपर डैमेज करता है, तो इसकी वजह से आपकी स्किन काली हो जाती है, टैन हो जाती है। तो जो सैफ्रन है, केसर है, वो आपकी स्किन पे जो सूरज की किरण है वो एब्जॉर्ब होने नहीं देता है और आपकी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने में, आपको बचाने में मदद करता है। दूसरी चीज क्या है, हमारी जो स्किन है वो, उसका कलर क्यों होता है, मेलानिन की वजह से। जिनके स्किन में मेलानिन ज्यादा होगा उनके स्किन का कलर ज्यादा डार्क होगा, मेलानिन कम होगा तो उनकी स्किन ज्यादा गोरी दिखेगी। तो ये क्या करता है, जो मेलानिन का पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका स्किन का कलर डार्क है
उसको कम करने लगता है और नेचुरल तरीके से आपके स्किन जो है वो उसका कलर जो होता है वो लाइट होने लगता है, आपकी स्किन थोड़ी गोरी होने लगती है और आपकी स्किन पे चमक आने लगता है। तो ये बेनिफिट दूसरा देता है सैफ्रन। और क्या बेनिफिट देता है? आपके स्किन के टोन को अच्छा करता है। जैसे आपने सुना होगा जब आप फेस वॉश करते हो तो उसके बाद आप फेस वॉश यूज करिए, उसके बाद आप टोनर लगाइए। टोनर क्या करता है, जब आप मुंह धोते हैं या आपको जब आप अपनी स्किन को धोते हैं, स्किन के जो छेद होते हैं ना, जिसको हम स्किन के पोर्स बोलते हैं, रोम छिद्र बोलते हैं, जिसमें से बाल बाहर आते हैं, वो थोड़े खुल जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है जब आप ये सैफ्रन उसके ऊपर लगाते हैं, जब आप अपना स्किन वाइटनिंग लोशन लगाते हैं, तो उस पोर के साइज को कम कर देता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है। कभी कभी स्किन पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती, इरिटेशन होने लगती, क्योंकि बैक्टीरिया हर वक्त हमारी स्किन पे हमला करता है। तो ये क्या करता है, उस बैक्टीरिया को हमें मारने में मदद करता है। तो आपने देखा, एक तरीके से नहीं, चार तरीके से ये सैफ्रन हमारे इस प्रोडक्ट में काम करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमने डाला है वो है वेटिवर। ये भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट हमने डाला है जो मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, हम स्किन बस लाइट नहीं कर रहे, बस गोरा नहीं कर रहे, हम उसके साथ साथ आपकी स्किन की क्वालिटी को भी अच्छा कर रहे। तो आपकी स्किन जितना मॉइस्चराइज होगी, जितना उसमें पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, उतना आपकी हेल्दी लगेगी और बाहर से जो भी चीज हमारी स्किन पे हमला करती है उससे लड़ने में मदद करता है। ऊपर की फोटो देख रहे हैं, इसमें एक यंग पर्सन का स्किन है, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं हमारी स्किन पे झुर्रियां वगैरह दिखने लगती है, तो एंटी एजिंग से भी बचने में हमें मदद करता है। तो वेटिवर जो है ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हमारे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। दूसरी चीज क्या है, लिकोरिस, जिसको मिलेठी भी कहते हैं, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगी लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ना लिकोरिस, ये हजारों सालों से आपके स्किन को वाइट करने में आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है। बोला जाता है कि अब एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज आएगी, जैसा मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया हमारी स्किन में मेलानिन होता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर जो होता है वो डार्क होता है। ज्यादा मेलानिन तो स्किन का कलर ज्यादा डार्क है। तो वो मेलानिन बनता कैसे है, हमारे प्रोटीन, हमारे स्किन में प्रोटीन होता है, मैंने आपको प्रोटीन पाउडर में बताया था, प्रोटीन पाउडर जो होता है वो अमाइनो एसिड से बना होता है। एक अमाइनो एसिड जो होता है उसको हम टायरोसिन कहते हैं, और एक एंजाइम, ये दोनों जब मिलते हैं तो आपके स्किन में मेलानिन बनता है। तो हमारे जो ये लिकोरिस में कंपाउंड पाया जाता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिकोरिटिन उसको हम कहते हैं, वो क्या करता है, जो एंजाइम आपका वो मेलानिन बना रहा है उसको ही रोक देता है। तो जब वो रुक जाएगा तो आपका, जब ज्यादा मेलानिन नहीं बनेगा तो आपका स्किन जो होगा वो व्हाइट होना स्टार्ट होगा, मतलब आपका स्किन नेचुरल तरीके से उसमें ग्लो आएगा, उसमें चमक आएगी, स्किन का टोन जो होगा वो कम होने लगेगा और आपकी स्किन गोरी दिखने लगेगी। अगर स्किन पे कोई खुजली हो गई है, रैशेस हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, लाल हो गया है, या कोई भी इरिटेशन, कोई भी सूजन वगैरह हो गई है, तो उससे भी ये लिकोरिस जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। दूसरी चीज, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से बहुत सारे लोग अपने बॉडी पे मसाज भी करते हैं। क्यों? ये आपकी बॉडी पे जब मसाज करते हैं तो जो वाटर है उसको लॉस होने से बचाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंटी ऑक्सीडेंट का काम करता है। अंदर में बॉडी में डालने के लिए तो 95 है, लेकिन स्किन के लिए भी तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि स्किन पे भी तो फ्री रेडिकल बन रहा है, वो आपका ऑलिव ऑयल काम करता है। ऑलिव ऑयल क्या करता है, जो भी फ्री रेडिकल आपके स्किन पे बन रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, आपकी स्किन को हेल्दी करता है। और बहुत सारे लोगों को देखा होगा, होते हैं 30-35 साल के, लेकिन उनकी स्किन ना ज्यादा एज हो गई होती है, मतलब वो ज्यादा बूढ़े दिखने लगते हैं। तो जो प्री मैच्योर एजिंग हो रहा है, मतलब पहले उम्र से ज्यादा अगर एजिंग हो रहा है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है और आपको धूप से भी बचाने में मदद करता है। आगे बात करें, एक चीज है इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं मिल्क क्रीम। ये तो हमने बचपन से देखा है, पहले के जमाने में भी लोग मलाई वगैरह लगाया करते थे। क्यों? मलाई जो होती है दूध के ऊपर की, जो मलाई हम हटा के लगाते थे, तो वो आपके स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स है ना उसको कम करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है और आपकी प्री मैच्योर जो एजिंग हो रही होती है, पहले के जमाने के लोग में आप देखते थे 40-50 साल पे भी यंग दिखते थे, क्योंकि वो नेचुरल चीजें ये सब यूज करते थे, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, अगर स्किन पे कोई इरिटेशन है स्किन का कलर लाइट करने में मदद करता है, और आपके जो पोर्स है, जो छेद है अगर आपके स्किन पे है उसको टाइट करने में मदद करता है। जितने आपके पोर्स टाइट रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपके स्किन पे लॉन्ग टर्म देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे इस प्रोडक्ट में है।
अब मैं कुछ चीजें रिपीट करूंगी जो कल मैंने बात की थी. क्या हमारे जो भी लोशन है, जो भी आपका फेस वॉश है, जो भी स्किन केयर का प्रोडक्ट है, सब में हमने दो चीजें डाली हैं. एक हमने आपको विटामिन ई भी डाला है, और प्लस आगे मैं बात करूं विटामिन ई का बेनिफिट, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ्री रेडिकल से हमें बचाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है. अब दो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल रिपीट की थी वो क्या है, हमारे हर एक प्रोडक्ट में मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है और विटामिन मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स डाला गया है. मैंने आपको कल भी बताया था हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल की जरूरत होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, मैग्नीशियम हो, हमारे स्किन को भी मिनरल की जरूरत होती है. स्किन को जब मिनरल प्रॉपरली मिलता है, कहते हैं अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपकी जो स्किन है वो जल्दी बूढ़ी होने लगेगी. आपकी स्किन पे अगर कोई चोट लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जिंक जो है उसको भरने का काम करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है. इसीलिए हमने अपने हर एक बॉडी केयर के प्रोडक्ट में, हर एक फेस वॉश में हमने मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला है. ये पॉइंट आपको याद रखना है, सब में मिनरल कॉम्प्लेक्स है, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर, जो आपकी स्किन को अच्छा करता है. और हर एक प्रोडक्ट में हमने मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स डाला है. इस चीज को मैंने कल भी मैंने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, बार बार आपको याद दिलाया था. क्यों? बॉडी के लिए तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, आपके स्किन को भी जरूरत है. मैंने बताया स्किन हर दिन रिन्यू होती है, हर दिन पुराने सेल मरते हैं, नए सेल बनते हैं. 30 से 40 दिनों में पूरी स्किन बदल जाती है. इसमें विटामिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और अगर आपकी स्किन में विटामिन की कमी होगी तो आप देख रहे हैं आपकी स्किन ऐसे फ्लेकी हो जाएंगे, ऐसे ऊपर से स्किन की परत हटेगी, आपको पिंपल, रैशेज, आपके झुर्रियां पड़ने लगेंगी, रिंकल पड़ने लगेंगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है अगर हमारे स्किन में विटामिन की कमी होती है. और आप जब धूप में जाएंगे आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, धूप का असर जल्दी आपकी स्किन पे पड़ेगा. तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है, सारे अपने प्रोडक्ट में मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स और मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है. इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है. मतलब इसमें हमने जो भी ऐसी चीज डाली है जो आपके स्किन के कलर को अच्छा करती है, ऑल आर नेचुरल इंग्रेडिएंट, सारी नेचुरल चीजें, चाहे वो केसर हो, चाहे वो मुलेटी हो, चाहे वो वेटिवर हो, सारी नेचुरल चीजें डाली है. प्लस मल्टी विटामिन भी डाला है, क्योंकि स्किन को भी विटामिन की जरूरत होती है, उसको भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसमें भी फ्री रेडिकल बनते हैं. आपकी स्किन को सांस लेने में मदद करता है, स्किन जितना ऑक्सीजन ले पाएगा उतना ज्यादा हेल्दी आपकी स्किन रहेगी. अभी हमने जो कल तीन लोशन देखे थे, कल हमने इंटेंस मॉइस्चराइजिंग देखा था, कोको बटर देखा था, एमोलियन देखा था. ये जो तीन आपने लोशन और क्रीम देखा था इसमें SPF नहीं है, बट ये जो हमारा लोशन है व्हाइटनिंग लोशन, इसमें सनस्क्रीन कॉम्प्लेक्स डाला गया है, जिसमें आपको SPF जो है वो 10 है. इसमें जो सनस्क्रीन डाला गया है वो आपको UVA UVB दोनों से बचाता है, और आपका जो मेलानिन है उसको प्रिवेंट करता है बनने से. तो आपकी स्किन जो है वो नेचुरल तरीके से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, गोरी होती है. तो आपके कुछ स्किन टोन को ये इम्प्रूव करने में मदद करता है. तो सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने इस प्रोडक्ट में डाली है. अब इसको लगाना कैसे, जब भी आप बात करते हैं, नहाते हैं, तो कोशिश करिए नहाने के तुरंत बाद आपको लगाना है. क्योंकि जब हम नहाते हैं, स्किन पे जब साबुन वगैरह लगाते हैं, स्किन का नेचुरल ऑयल निकल जाता है, थोड़ा सा स्किन ड्राई हो जाता है. लेकिन एक कोशिश करिए, जब भी आप नहाइए तो अपने स्किन को पूरा पानी पोंछ लीजिए. क्योंकि अगर पानी रहेगा तो आपका लोशन अच्छे से काम नहीं करेगा. तो पहले अच्छे से बॉडी को वॉश पोंछ लीजिए, उसके बाद आप बॉडी पे क्रीम लगाइए. हाथ पैर जहां पे भी आपको लगाना आप लगाइए, एक्सटर्नल यूज के लिए है बस. और डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है कि ये जो प्रोडक्ट है आपके स्किन पे 100% सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. हर एक तरीके के लोग इसको लगा सकते हैं, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी की सेंसिटिव स्किन है, ये हर एक तरीके के लोगों को बनाया गया, उनके लिए बनाया गया. और लास्ट में एक और चीज जिसको मैं आज फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी नए जुड़े होंगे हमसे, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट. मार्केट के आप बहुत सारे कॉस्मेटिक चेक कर लीजिए, शायद ही आपको किसी पे लिखा होगा ये लाइन, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट. इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स ने अपने हर एक प्रोडक्ट में, पर्सनल केयर में, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्टिव इंग्रेडिएंट माने जाते हैं. जैसे अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो सैफ्रन हो गया, लिकोरस हो गया, वेटिवर हो गया, ये जो तीन हैं ये मान लेते हैं हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं.
तो हमने क्या किया है, ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको टॉप एमएनसी कंपनी से उसको सोर्स करवाते हैं, रेप्यूटेड कंपनी से उसको सोर्स करवाते हैं, और उस चीज का प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है, प्रॉपर एनालिसिस होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी होते हैं कि यस हमने ये तीन इंग्रेडिएंट अपने इस व्हाइटनिंग लोशन में डाला है, और ये तीन इंग्रेडिएंट जो है वो एक्चुअल में रिजल्ट देता है और वो इसमें उपलब्ध है, वो इसमें मौजूद है, तो उस चीज का सर्टिफिकेशन लिया है जो मार्केट की कंपनीज नहीं करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि हमारे सारे प्रोडक्ट में जो हम बोलते हैं वो हम देते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट में ये चीज हमने अपने प्रोडक्ट में लिखी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट, आपको डब्बे के पीछे ये चीज दिख जाएगी। तो ये था हमारा स्किन व्हाइटनिंग लोशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी अभी बहुत फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि इसका जब भी आप यूज करोगे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसका मिलेगा, ये एलिमेंट्स वेलनेस का एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश जेल। अब ये पॉलिश क्या वर्ड है, हम अपनी गाड़ी को भी तो पॉलिश करते हैं, आप अपनी गाड़ी को पॉलिश करते हैं, आप अपनी फर्नीचर को पॉलिश करते हैं, हम हर एक चीज को पॉलिश करते हैं, लेकिन हम अपने स्किन को पॉलिश नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हर दिन बढ़ता है, चाहे वो एनवायरमेंट का स्ट्रेस हो, चाहे वो स्किन डैमेज हो जाती है, और आप देख रहे हैं स्किन पे डेड स्किन होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्किन रिन्यू करती है, हर दिन शेड होती है, अगर वो स्किन अच्छे से निकल नहीं पा रही है तो वही आपकी डेड स्किन जब आपकी स्किन पे दिखना स्टार्ट होने लगती है तो हमारी स्किन जो होता है वो खराब दिखने लगता है, ब्लैक दिखने लगता है, काला दिखने लगता है, तो ये डेड स्किन अक्यूमुलेट कर जाता है, जमा करने लगता है। इसीलिए आपको एक अच्छे ऐसे पॉलिश जेल की जरूरत है जो आपके स्किन को पॉलिश भी करेगा और जो डेड स्किन है उसको हटाने में भी मदद करेगा। तो इसके लिए हमारी कंपनी क्या लेकर आई है, एनर्जाइजिंग बॉडी पॉलिश जेल। अब इसकी कुछ खासियत के बारे में बात करते हैं। बॉडी पॉलिश करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप बॉडी को पॉलिश करते हैं आपकी जो स्किन होती है वो एक्सफोलिएट होती है, जो भी डेड सेल्स हैं वो हट जाते हैं, और जब मरी हुई चीजें डेड सेल्स ऊपर से हट जाएंगी तो नीचे की जो यंग अभी स्किन निकल रही है, ग्रोइंग स्किन, वो आपकी दिखना स्टार्ट होती है और आपकी स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, आपके नए सेल ग्रोथ होने लगते हैं, आपकी नई कोशिकाएं बनने लगती हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, सपल हो जाती है, मॉइस्चराइज लगने लगती है, अच्छी दिखने लगती है, जो भी ऑयल है या जो भी धूल है वो भी निकल जाता है। और सबसे अच्छी बात, जितनी भी लेडीज यहाँ पे दिख रही हो, देख रही होंगी आज की ट्रेनिंग सेशन में, उनसे आज एक बात करना चाहती हूँ, वो क्या है, लेडीज लोग ना घर का सारा काम करती है और अभी लॉकडाउन में तो करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, बात करें इस टाइम पे अगर बात करें तो लेडीज सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना ख्याल भी रखना जरूरी है, सेल्फ पैम्परिंग भी जरूरी है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं ना तो आपका सेल्फ लव बढ़ता है, आप खुद से प्यार करते हो, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें अपने लिए करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए मैं हर लेडीज को बोलना चाहूंगी, अपना भी ख्याल रखिए, सारी चीजों को आप यूज करिए खुद से और आपका सेल्फ पैम्पर करिए, और ये सारी जो चीजें हैं आपकी बॉडी को अंदर से आपको अट्रैक्टिव बनाती है, जब आप इससे स्क्रब करते हैं तो ये अंदर तक जाता है, जो आगे स्पोर्ट्स वगैरह जो बंद हो गए, जो छेद बंद हो गए उसको अनक्लॉक करता है, उसमें जो धूल है डर्ट है उसको बाहर निकालता है और आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आता है। लेकिन बात करें घर में पॉलिश करना या स्किन पॉलिश करना कैसा फील होता है, सबसे पहली बात इसके बहुत बेनिफिट्स है, मैं आपको बताऊं, जितनी भी लेडीज होंगी उनको ये चीज पता होगा, जब आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर बॉडी पॉलिश करवाते हैं साल से 5-6 हजार का खर्चा आता है, आप अपने घर में जब करते हैं तो आप पैसे बचाते हैं, आप अपना टाइम भी बचाते हैं, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जब चाहा अपने घर में अपने मर्जी के हिसाब से आपने कर लिया। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, लूफा जो होता है, प्यूमिक स्टोन, आप इस फोटो में देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्क्रब करने वाली चीजें आती हैं, एक अच्छा आपको बॉडी पॉलिश जेल चाहिए जो हमारी कंपनी आपके लिए लेकर आई एलिमेंट्स वेलनेस का एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश जेल। उसके बाद एक आपको अच्छा एक लोशन चाहिए, जो हमारे पास वैरायटी है लोशन का, ये चार लोशन आप यूज कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसमें खासियत क्या है, तो आज हम इसके थोड़ा डिटेल में जाकर बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें नेचुरल वॉलनट एंड लूफा एक्सफोलिएटर डाला है। ये लूफा क्या, वॉलनट तो हम सबको पता है, अखरोट, इस फोटो में भी आप देख रहे हैं अखरोट बहुत सारी चीजों में स्क्रब करने में भी यूज करता है क्योंकि उसके बहुत अच्छे मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं। ये जो लूफा आप देख रहे हैं, ये जो लेडी यहाँ पे अपने बॉडी पे लगा रही है, यहाँ पे मैंने फोटो भी डाली है इसकी, ये एक्चुअल में एक फल जैसा एक सब्जी जैसी चीज होती है, जब वो सूख जाती है बहुत दिनों तक उसको रख दिया जाता है, जब वो सूख जाती है तब वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है और तब उसको जो हमने बॉडी पे स्क्रब करते
होते हैं तो डेड स्किन हटाने में मदद करता है। तो हमने इसमें अखरोट भी लिया है और लूफा के एक्सफोलिएटर्स भी यूज किए जो बहुत डीपली आपके डेड स्किन को हटाने में मदद करते हैं, आपके स्किन को एक अच्छा टेक्सचर देते हैं, और जब डेड स्किन हट जाती है तो आपके स्किन पे नेचुरल ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, आपके स्किन पे चमक आने लगती है। दूसरी चीज, बहुत सारे बॉडी पॉलिश क्या करते हैं, आपके स्किन पे जब पॉलिश कर देते हैं लेकिन आपकी स्किन बहुत ड्राई कर देते हैं उसके बाद, इसीलिए हमने क्या किया, इसमें नेचुरल मॉइस्चराइजर भी डाल दिया। आपने कल देखा हेयर कंडीशनर, बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर की जरूरत है, स्किन को भी तो जरूरत है, तो इसमें हमने स्किन कंडीशनर भी डाला है जो आपके स्किन को सॉफ्ट करता है, उसको मॉइस्चराइज करता है, उसको सॉफ्ट स्मूथ करने में मदद करता है। तो इसमें हमने नेचुरल मॉइस्चराइजर भी डाला है और स्किन कंडीशनर भी डाला है जो आपके स्किन का भी ख्याल रखते हैं जब आप अपने बॉडी पे स्क्रब करते हैं। और जैसा आपको पैकेज ही बताता है कि इसका ऑरेंज पैकेज आपको दिखता है, मतलब इसमें हमने ऑरेंज ऑयल एक्टिव्स डाला है, मतलब आपने देखा होगा कि जो संतरा होता है ऑरेंज होता है उसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, तो और विटामिन सी की ना खुशबू बहुत ही फ्रेश खुशबू मानी जाती है, तो जब आप इससे अपने बॉडी पे स्क्रब करते हैं, विटामिन सी एंटीऑक्सिडेंट का भी काम करता है, आपकी स्किन को तो अच्छा हेल्दी करता है ये, लेकिन आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है जब आप अच्छी चीजों को सूंघते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा बेदिंग एक्सपीरियंस देता है, आपको नहाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, तो एक अलग ही आपको एक फीलिंग आएगी। ये ऑरेंज इसमें ऑयल सिट्रस एक्टिव्स डाले गए, इसको लगाना कैसे, इस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब भी आप इससे बॉडी पॉलिश करें तो या तो आप गर्म पानी से नहा लें, लेकिन ज्यादा गर्म पानी भी बॉडी पे यूज मत किया करिए, अगर आपको जब इससे आप स्क्रब करें तो ही गर्म पानी यूज करिए, वैसे नॉर्मल आप ठंडे पानी से कोशिश करिए नहाने की, लेकिन जब आप स्क्रब करें तो हल्के गर्म पानी से जब आप नहाते हैं तो आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो जो क्रीम है वो ज्यादा अच्छे से एक्सफोलिएट जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, या अगर आपके घर में स्टीमर है तो आप स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। हाथ में अच्छा सा क्रीम लीजिए, बॉडी को हल्का गीला करिए और उससे अपनी बॉडी पे आपको स्क्रब करना है, और जेंटली स्क्रब करना है, ज्यादा रगड़ना नहीं है, 5-10 मिनट आप अच्छे से स्क्रब करिए, ये पूरा क्रीम आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ज्यादा पानी आपको नहीं लेना है, नहीं तो वो ज्यादा ही वॉटरी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, तो आपको ज्यादा पानी नहीं लेना है, और जब आप इसको पूरा स्क्रब करेंगे ना तो ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर जिन्होंने यूज किया होगा, जब आप इसको स्क्रब करके थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में अगर आप इसको ऐसे करते हैं ना, आपको लिटरली स्किन पे शाइन दिखता है, इसमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई है जो आपके स्किन पे शाइन आने लगता है। 30-40 मिनट इसको छोड़ दीजिए, अपना घर का फिर काम वाम कर लीजिए, बॉडी पे स्क्रब किया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, 30-40 मिनट छोड़ दीजिए। 40 मिनट के बाद आप हल्के गर्म पानी के साथ नहा लीजिए, साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और लगाने के बाद आप एलिमेंट्स वेलनेस का कोई भी लोशन आप लगा सकते हैं, आप चाहे तो उसके बाद अपना व्हाइटनिंग लोशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि पोर्स वगैरह ओपन होते हैं, आपको व्हाइटनिंग लोशन भी लगा सकते हैं, स्किन ड्राई हो गई है तो आप इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन भी लगा सकते हैं, जो भी आपको मन करे आपको लोशन लगा सकते हैं, और आपको एक बहुत अच्छी स्किन होगी। देखिए मैं एक चीज बताऊं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हमने सबने ले ली, लेकिन जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ बी योर बेस्ट कस्टमर, आप किसी को अगर कोई प्रोडक्ट बता रहे हैं उसके पहले आप उसको एक्सपीरियंस करिए, तो आप और कॉन्फिडेंस से बताते हैं और लोग आपसे तब कनेक्ट हो पाते हैं, इसीलिए बी योर बेस्ट कस्टमर, प्रोडक्ट को यूज भी करिए। और इसका अगर आपको सच में अच्छे बेनिफिट्स लेना है ना, जितनी भी लेडीज हैं, जेंट्स भी हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही लेडीज के लिए ये, इसको हफ्ते में एक बार जरूर यूज करिए, आपकी स्किन पे ना एक अलग से ग्लो आ जाएगा, चमक आ जाएगा, लेकिन इसको हमेशा फेस के स्किन पे कभी यूज नहीं करना, हमेशा बॉडी के स्किन पे करना है। फेस के लिए आपके लिए और अपना एक और स्क्रब है न्यू स्टार का, वो यूज कर सकते हैं, आपको बॉडी पे स्क्रब करना है, जेंटल एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन को, बस साफ नहीं करता, उसको नरिश भी करता है, उसको आप ये समझ दीजिए उसको खाना भी पहुंचाने का काम करता है, उसको पूरे तरीके से उसका ख्याल रखता है। स्किन पे हमें एलर्जी इन्फेक्शन भी तब होने लगती है जब बॉडी का स्किन का पीएच लेवल खराब होता है, तो उसको भी बैलेंस करता है, आपको एक अच्छी खुशबू देता है, आप अच्छा फ्रेश महसूस करते हैं, स्किन पे टेस्ट किया गया 100% सेफ है, और इसका जो ऑरेंज फ्रेग्रेंस है ना, ट्रस्ट मी जब आप यूज करेंगे आपको बहुत अच्छा यूज करने में मजा भी आएगा। बहुत सारे ऐसे स्क्रब भी आते हैं जिसकी खुशबू अच्छी नहीं होती, इसकी खुशबू बहुत अच्छी रखी गई है, और इसमें भी सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट कि जो हमने डाला है वो एक्चुअल में डाला है और वो काम करता है, इसका हमारे डॉक्यूमेंटेड एनालिसिस की जाती है, हर एक बैच की टेस्टिंग की जाती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
ये था हमारा एक्सफोलिएटिंग बॉडी जेल. अभी मैंने कल आपको ये तीन प्रोडक्ट बताए थे, आज फिर से इसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दी. हमारा जो इंटेंस है इसमें ये तीन चीजें हैं जो आपके स्किन को पूरा मॉइस्चराइज कर देता है, 24 घंटे मॉइस्चराइज देता है उनके लिए जिनकी स्किन बहुत ड्राई है. कोको बटर क्रीम जो है, अगर जिनकी स्किन थोड़ी डल हो गई है, लाइफलेस हो गई है, जान नहीं लग रही है, थोड़ी एनर्जी की जरूरत लग रही है स्किन में, वो आप कोको बटर यूज करिए. हमारा जो एमोलियंट है वो थोड़ा सा थिक क्रीम फॉर्मेट में है, और जिनकी स्किन थोड़ी लूज हो गई है, रिंकल्स वगैरह, आप उनको दे सकते हैं. और जो हमारा स्किन वाइटनिंग लोशन है, जिनको स्किन थोड़ा गोरा करना है, आप उनको दे सकते हैं. और ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जितने भी लोशन देख रहे हैं, जितने भी फेस वॉश देख रहे हैं, सब में मल्टी वाइटमिन कॉम्प्लेक्स और मिनरल कॉम्प्लेक्स, ये दो चीजें हमने डाली हैं. तो आपको मैंने अभी ब्रीफ बताया, ये उनके लिए जिनका स्किन बहुत ड्राई है, जिनके स्किन को थोड़ी सी जरूरत है कोको बटर, जिनकी स्किन थोड़ी लूज हो गई है, रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं, एमोलियंट क्रीम डाल सकते हैं, लगा सकते हैं. और चौथा, जिनको अपने स्किन का टोन को थोड़ा इंप्रूव करना है, तो आपको स्किन वाइटनिंग लोशन आप लगा सकते हैं. अब लोशन और क्रीम में क्या डिफरेंस है? लोशन मैंने कल बताया, ये पानी है, पानी में थोड़ा सा फैटी मैटर ऐड किया, तो जैसे जैसे आप फैटी मैटर ऐड करते जाते हैं, थोड़ा ज्यादा ऐड कर लिया, लोशन में कन्वर्ट हो गया. थोड़ा और फैटी मैटर जब हम इसमें ऐड करते जाते हैं तो वो क्रीम में चला जाता है. तो जो लोशन हमारे ये तीन है वो फैटी मैटर में थोड़ा कम है, उसका लाइट वेट होता है, तो गर्मियों में जो ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि स्किन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है. ठंडियों में हमारी स्किन ज्यादा ड्राई होती है, तो इसलिए क्रीम फॉर्मेट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें फैटी मैटर हाई होता है, थोड़ा हैवी होता है, और ठंडियों वेदर या ड्राई वेदर में आप इसको यूज कर सकते हैं, या आपके जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसके भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से जो आपको सूट करे उसमें से आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं. कल एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, आज बहुत सारे लोग हमसे यहाँ पे कनेक्टेड है. आप अगर बहुत सारी लेडीज, अगर कोई ऐसी लड़की है जो अपने पेरेंट्स के साथ ये ट्रेनिंग अटेंड करती है, तो कल मैं थोड़ा सा प्रेफर करूंगी, एक डिस्क्लेमर मैं आपको बस ये दे रही हूँ कि कल जो हम है अपने पर्सनल हाइजीन पे ये तीन प्रोडक्ट लेने वाले, जिसमें जो प्रिवी वॉश है वो लेडीज के इंटीमेट वॉश के लिए बनाया गया है, तो उस पर हम थोड़ा कर डिटेल में जाकर बात करेंगे. तो जितनी भी आपके घर में लेडीज हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, आप सबको इस ट्रेनिंग के लिए जरूर बुलाइए, क्योंकि कल हम ऐसी चीजों पर भी बात करेंगे जहां पे बहुत सारी लड़कियां, यंग लड़कियां किसी से बात नहीं कर पाती हैं, या यंग लड़कियां होती जो अपने मम्मी पापा से नहीं बात कर पाती है, मम्मी से बात नहीं कर पा रही, क्योंकि आज लेडीज को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है. तो आप लेडीज को जरूर कल की ट्रेनिंग से जोड़िएगा, और अगर कोई लड़की अपने पेरेंट्स के साथ देख रही है तो आप अपने फोन में आप सेपरेटली जाकर भी देख सकते हैं. अगर आप उतना अपने पेरेंट्स से थोड़ा उतना नहीं है फ्रैंक, तो आप अपने अकेले भी यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये प्रिवी वॉश, पहली बार इसकी ट्रेनिंग होने जा रही है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके घर में जो भी लेडीज है, कल की ट्रेनिंग में उनको जरूर कनेक्ट करिए. तो कल हम प्रिवी वॉश लेंगे, हैंड वॉश लेंगे, और हम ना जो शेविंग जेल जेंट्स के लिए बनाया गया है, मेन के लिए एक्टिव फ्रेश शेव जेल, ये हम तीन प्रोडक्ट बात करेंगे. जिन्होंने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक दिस बेल आइकन. जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज करेगी, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगी, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा. कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट से नहीं खरीदना है, कंपनी उसकी कोई गारंटी नहीं देती है. कंपनी जब बड़े लेवल पे चली जाती है तो मार्केट में फेक प्रोडक्ट भी आने लगते हैं, इसीलिए कंपनी ने अपना एक सेपरेट रखा है इंडिया शॉपिंग. जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना है, यू हैव टू बाय only from these outlets only, आपको इंडिया शॉपिंग के आउटलेट से ही बाय करना है. अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. 10 साल के ऊपर के बच्चों को आप ये दे सकते हैं, हमारे जितने भी लोशन है वो 10 साल के ऊपर के बच्चे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और सारे जो प्रोडक्ट है मैंने आपको पहले ही बताया, स्किन फ्रेंडली है, तो आप लगा सकते हैं. यस, हमारे जो लोशन है आप उसको समर में लगा सकते हैं, और अगर किसी एरिया में बहुत, जैसे मैं महाराष्ट्र मुंबई में हूँ तो यहाँ पे एक ही वेदर रहता है, तो आप उस हिसाब से जो विंटर्स में है आप लोशन क्रीम लगाइए, और नॉर्मली आप लोशन लगा सकते हैं. कितने दिन यूज करना होगा, ब्रश आप कितने दिन यूज करते हैं, लाइफ टाइम यूज करते हैं, तो लोशन भी आपको लाइफ टाइम ही यूज करना पड़ेगा. अगर प्रेगनेंसी मार्क है, तो देखिए हमारा एक स्ट्रॉबेरी एक ऑन एंड ऑन का एक प्रोडक्ट है, बॉडी लोशन में ही आता है, क्रीम में आता है, वो आप यूज कर सकते हैं. मेरे को अच्छे कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, तो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह जो है उसको कम करता है. जिनका सनबर्न हुआ है तो आप उनको भी अपना स्किन वाइटनिंग लोशन दे सकते हैं, वो सनबर्न में भी हेल्प करेगा, और जो स्किन है उसको वाइट भी करने में, थोड़ा लाइटन करने में मदद करेगा. बॉडी पॉलिश जेल कैसे यूज करना है, मैंने अभी आपको पूरा बताया. बॉडी पॉलिश जेल को स्किन पे रब करना है पहले अच्छे से,
और उसके बाद आपको 40-50 मिनट छोड़ देना है, वो आपको उसके डब्बे पे भी लिखा होगा, तो आप जब खरीद के लाएंगे आपको दिख जाएगा वो। बॉडी पॉलिश के साथ थोड़ा सा पानी आपको मिलाना है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलाना है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। बॉडी पॉलिश के बाद आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसको आपकी बॉडी को पूरा साफ कर चुका होगा। बस उसके बाद आप अपना जो लोशन है वो जरूर लगाइएगा। पिंपल्स कम कर रहा है तो आप अपना बॉडी कोई भी अपना क्रीम लगाइए, इंटेंस मॉइस्चराइजिंग भी लगा सकते हैं, और अंदर के लिए ब्लड प्योरीफायर, डेली डिटॉक्स, ये सब आप चीजें ले सकते हैं। जो अंदर से आपका टॉक्सिन्स निकलेगा तो आपकी नॉर्मल स्किन होने लगेगी। जो भी हमारे बॉडी लोशन है वो दिन में 2 बार लगाइए, नहाने के बाद लगाइए और सुबह रात में सोने से पहले लगाइए। सन टेम्परेचर ज्यादा है, स्किन व्हाइटनिंग लोशन लगा सकते हैं, उसमें 10 SPF है, लेकिन उसके ऊपर भी चाहे तो आप अपना कोई भी जो सनस्क्रीन आता है वो आप लगा सकते हैं। बॉडी पॉलिश से पहले बात करना जरूरी है। अगर आप बॉडी पॉलिश कर रहे हैं तो बोला जाता है कि अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी से वो आप नहा लेते हैं तो स्किन पोर्स थोड़े ओपन हो जाते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेबीज के लिए रिकमेंडेड नहीं है, 10 साल के ऊपर के बच्चों को आप लगा सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन है, वुंड हीलिंग क्रीम लगाइए उसमें। स्किन में पिगमेंटेशन है तो आप अपना व्हाइटनिंग लोशन भी लगा सकते हैं। ये सारी जो भी आप लोशन है वो लगा सकते हैं, स्किन व्हाइटनिंग थोड़ा उसमें ज्यादा आपको हेल्प करेगा। नॉर्मल उपयोग के लिए कौन सा लोशन उपयोग करें? देखिए नॉर्मल ही है, सारे ये जो प्रोडक्ट है ना वो नॉर्मल लोगों के लिए ही है, बट आपके स्किन के ऊपर। अगर आपको स्किन लाइट करनी है तो लाइटनिंग लोशन लगाइए, ज्यादा ही आपका ड्राई है तो आप इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा सकते हैं। फेस पर बॉडी पॉलिश मत लगाइए, बॉडी की स्किन अलग होती है, फेस की स्किन अलग होती है। नॉर्मल पानी से नहा सकते हैं, लेकिन हल्का अगर जो ल्यूक वार्म गुनगुना पानी होता है उससे आप नहाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीक में एक बार आपको लगाना है अपना बॉडी पॉलिश जेल। थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग के लिए, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। और जितनी भी लेडीज आपके टीम में है ना, उनको प्लीज कल की ट्रेनिंग में जरूर कनेक्ट करिएगा, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, दिस वॉज श्वेता राय इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more business and product videos, subscribe the channel now.